दर्पण घंटी और कला घोड़ार नालर अनोखा प्रयोग दर्शक बंधु आम तो कार्यक्रम निश्चित प्रकार आरंभ करवा कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व जो मैंने भिडियो को देखुंत लाइक टे करेंगे एवं अन्य मानक नलिस्ट आम भिडियो को शेयर करेंगे जदि आपण मैंने एपर्तंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर सैटे आसूबा बेल आइकन को दबाईदे कारण यही ज्योतिष भित्तिक वास्तुभित्तिक कार्यक्रम आम जो आम चैनल अपलोड करूँ सर्वप्रथमे आप देखिपारे आसतु दर्शक बंधु ये संपूर्ण रूपे आम कार्यक्रम आरंभ करवा दर्शक बंधु जहाँ को कहते पेंग सुई हे बामर शास्त्र पूर्वर दि जा उपाय गुड़िक किंतु वर्तमान पेंग सुई अपेक्षा बहुत भल और अधिक प्रभावशाली होता है आम शास्त्र उपाय गुड़िक दर्पण घंटी और कला घोड़ार नाल आम जीवन में किसी एमती वस्तु अच्छी जहाँ को आम प्रतिदिन व्यवहार किंतु कर आम उपयोगी उपाय को खूब कम लोक मैंने जाणी था आसतु जानवा दर्पण घंटी ओ कड़ा कला घोड़ार नालर महत्व विषय दशबंधु वास्तुशास्त्र दर्पण को बहुत उपयोगी मना जा दिग को बढ़ावा भ्रम करा दर्पण अनेक थर चमत्कार प्रभाव देखा था दशबंधु जदि घर उत्तर पूर्व कोण कटा जाए तेबे से ही दिगरे एक बड़ देखा जाउथिबार दर्पण लगाइले दिग भ्रम हो जाए दशबंधु ए दिग वृद्धि पाइबा भली मने हुए एथिरु वास्तु दोष दूर हो जाए जदि घर सामने कौन सी खंब बा बड़ गच्छ कौन सी घर कोण अड़ियारे गदारे थाए तेबे घर मुख्य द्वार चौकाठ ऊपर को एक गोलाकार दर्पण लगाइले घर को आसुथिबा नकारात्मक ऊर्जा से ही दर्पण रे बाडेई होई पुन्नी जहाँ कहती पुणी बाहर को चली जाए दशबंधु खाइबा घरे उत्तर पूर्वर कांथरे ओ भाल आकृतिर जहाँ कहती भाल आकृतिर एक बड़ दर्पण लगाइबा उचित एतिरे भोजन करुथिबा व्यक्ति ओ भोजन प्रतिबिंब देखा जाए तेबे एहा घर समृद्धि बढ़ी थाए ड्रेसिंग रूम रे सर्वदा उत्तर अथवा पूर्व दिग कांथरे दर्पण रखिबा उचित एहा शुभ होइथाए कदापि दक्षिण दिग कांथरे दर्पण रखिबे नाही सोइबा घरे दर्पण न रखिबा उचित कारण सोइथिबा व्यक्ति उपरे अशुभ प्रभाव पड़िथाए दशबंधु एबे जानिबा घंटी विषय जदि आम देखिबा घंटी एक एमिति वस्तु जहाँ कि सब मंदिर रे ओ घरे थिबा मंदिर रे लगा जाय थाए मंदिर को प्रवेश करिबा बेले भगवानंकर आरती बेले ओ भोग लागिबा बेले घंटी प्रयोग करा जाय एहा व्यतीत एहा को अनेक जागा रे मध्य व्यवहार करा जाए दशबंधु यही घंटीर शब्द सकारात्मक ऊर्जा सृष्टि हुए जोठारे यही घंटीर शब्द सुना जाए सेठारे नकारात्मक ऊर्जा दूरीभूत हो जाए दशबंधु से सका गाधोई सारी घर मुख्य द्वार और मंदिर घंटी निश्चय बजाइबा उचित घर मुख्य द्वार दुईटी अथवा तीनोटी द्वार एक सीधारे रही था तेबे एक पीतल घंटी द्वारा मझीरे टांगंतु जदि आपणकर पिला पाठ पढ़ा दुर्बल होइथाय तेबे आपण पिला पढ़ीबा समय रे एक मिनिट पर्यंत पीतल घंटी तार टेबुल पाखरे बजंतु सेथिरे सही स्थान रे एक वातावरण सृष्टि हेबो ओ पिला मानंकर मन एकाग्र हो होई
ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଳା ଘୋଡ଼ାର ନାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଘୋଡ଼ା ନାଲର ଅଥବା ଡଙ୍ଗାରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁହାକଣ୍ଟାକୁ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଘୋଡ଼ା ନାଲ ଓ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଓ ଏହା ଘୋଡ଼ା ଚାଲିବା ବେଳେ ଘଷି ହୋଇ ସେଥିରେ ଏକ ଉର୍ଜାବାନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିଭଳି ଡଙ୍ଗାରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁହାକଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ଢେଉରେ ଉର୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କଳା ଘୋଡ଼ାର ନାଲ ମିଳେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଳା ଘୋଡ଼ାର ନାଲ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ। ୟୁ ଭଳି ଘୋଡ଼ା ନାଲ ଘରେ ଓଲଟା ଲଗାଯାଏ। ପ୍ୟାଟି ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୟୁ ଭଳି ଘୋଡ଼ା ନାଲ ଲଗାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଘୋଡ଼ା ନାଲର ଘରୁ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଶନି ମହାଦଶା ଅଥବା 7:30 ସମୟରେ ଘୋଡ଼ା ନାଲରେ ମୁଦି ବା ରିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ବାମ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।